आज हम बनाएंगे दही वाले भिंडी मसाला। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से कम तेल और कम मसालों से बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दही वाले भिंडी बनाने के लिए हमने 350 ग्राम भिंडी अच्छे से धोकर और सुखा करके ले लिए हैं। तो पहले हम भिंडी को काटेंगे। तो इसके लिए पहले हम भिंडी के दोनों सिरों को काट करके थोड़ा थोड़ा हटा देंगे। भिंडी छोटा है इसलिए हम इसके टुकड़े नहीं करेंगे। जो भिंडी छोटे छोटे हैं उनके हम सिर्फ दोनों सिरों को हटा देंगे और जो भिंडी थोड़ी बड़ी है उसके हम बीच से भी 2 या 3 टुकड़े कर लेंगे। अगर भिंडी ज़्यादा बड़ी है तो उसके हम 3 टुकड़े करेंगे और जो भिंडी मीडियम साइज की है उसके हम 2 टुकड़े करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर सभी भिंडी को काट लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। मैंने यहाँ पर पहले से ही एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए गैस पर रखा है। इसमें हम 1 चम्मच सरसों के तेल डालेंगे और उसके बाद भिंडी डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। भिंडी को हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, इसे बस इतना ही फ्राई करना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और भिंडी 50-60% कुक हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं और भिंडी का कलर भी चेंज हो गया है। यहाँ हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और भिंडी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। वापस से हम इसी कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और इसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा और 1 सूखी लाल मिर्च डालकर इसे चटकने देंगे। यहाँ हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। जीरा चटक गया है, इसमें हम एक बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ 1 हरा मिर्च डालकर इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो गया है और अब हम इसमें 1/2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं और मसाला हमारा भून गया है। अब हम यहाँ फ्रेश दही 1/2 कप डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। दही हम रूम टेम्परेचर वाला ही यूज करेंगे, फ्रिज वाला दही का यूज ना करें। दही आपको पतला लग रहा होगा क्योंकि हमने दही को फेंट करके रखा हुआ था। इसे हम लगातार चलाते हुए मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। 7-8 मिनट हो गए हैं और मसालों से तेल छूटना शुरू हो गया है, यानी कि मसाला हमारा भून गया है। अब यहाँ पर 3/4 कप या कटोरी पानी और भुने हुए भिंडी को ऐड कर लेंगे और साथ ही हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड करके इसे मिला लेंगे और लो फ्लेम पर हम कवर करके 10 मिनट के लिए भिंडी को पका लेंगे। बीच बीच में हम 2-3 बारी इसके कवर हटा करके इसे चेक कर लेंगे और इसे मिला लेंगे। 10 मिनट हो गए हैं और भिंडी हमारा कुक हो गया है। इसे हम हल्के हाथों से मिला लेंगे और यहाँ पर हम 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालकर इसे कवर करके फिर से 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे कि गरम मसाला का फ्लेवर भिंडी में अच्छे से आ जाए। 2 मिनट हो गए हैं और इसे हम एक बार फिर से मिला लेंगे और अब हमारा भिंडी खाने के लिए तैयार हो गया है। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।